बंगाल में हुआ रेल हादसा जिसमें संख्या अभी तक मरने वालों की जो संख्या है वो आंकड़ा 8 बताया जा रहा था, लेकिन अब वो 8 से 15 हो चुका है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा ट्रेन हादसा है जहां पर जिस हिसाब से कंचनजंगा ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी टक्कर मारी जिसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है, और ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अश्विनी वैष्णव का पुराना वीडियो है, रेल मंत्री का पुराना वीडियो। इस वीडियो में साफ तौर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस वीडियो में अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं ट्रेन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए, खास तौर पर सुरक्षा कवच के बारे में, एक ऐसा कवच जो कि ट्रेन पर लगाई हुई एक टेक्नोलॉजी है जो कि साफ तौर पर अश्विनी वैष्णव समझाते हुए ट्रेन के माध्यम से नजर आ रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर चल रही वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से अपने इर्द गिर्द जमा हुए लोगों को अश्विनी वैष्णव समझा रहे हैं कि ये दो ट्रेन है, ट्रेन अगर रेड लाइट सिग्नल तक पहुंच जाती है तो सुरक्षा कवच अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये सुरक्षा कवच जब कहां चला जाता है जब ट्रेन में इतने हादसे हो रहे हैं, यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, तो ये सुरक्षा कवच कहां है, वो टेक्नोलॉजी कहां है जो अश्विनी वैष्णव तब से समझा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर अब रेल मंत्री के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, रेल मंत्री को चारों तरफ से घेर लिया गया है, आम जनता घेर रही है, आम जनता सवाल खड़े कर रही है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पर जब से ये पुराना वीडियो अश्विनी वैष्णव का वायरल हुआ है तब से आपको बता दें लगातार सवाल बनते जा रहे हैं और उसमें हम उलझते जा रहे हैं, क्योंकि पुराना वीडियो जिसमें सुरक्षा कवच की बात हो रही है, आखिरकार ये सुरक्षा कवच आज जब सुबह 8:55 पर बंगाल के अंदर ये रेल हादसा होता है जिसमें 15 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है और कम से कम 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, ये आंकड़ा अभी तक का है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब देखना ये है कि कितने और ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कितना बढ़ता है, ये भी अभी देखना बाकी है। ऐसे में हम लगातार सोशल मीडिया पर नजरें बनाए हुए हैं कि आखिरकार आम जनता के जहन में क्या चल रहा है या फिर इस पर राजनीति किस तरीके से गर्मा उठी है। मैं आपको बता दूं, नेहा सिंह राठौर को आप जानते होंगे, जब भी इस तरीके के बवाल देश में होते हैं तो नेहा सिंह राठौर अपने गाने के द्वारा अक्सर लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाती है। ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने भी एक गाना इस पर, जो अभी हाल फिलहाल का आज एक्सीडेंट हुआ है बंगाल के अंदर, और इस एक्सीडेंट को लेकर उन्होंने गाना बनाया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ साथ वो अब इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, किसके, रेलवे मंत्री की। यही नहीं, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से भी इस्तीफे की मांग करी जा रही है, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और तमाम ऐसे नेता हैं, आम जनता है जो कि इस्तीफे की मांग उठा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है जो सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, पहला सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार वो सुरक्षा कवच कहां है जिस सुरक्षा कवच की बात अभी तक अश्विनी वैष्णव कर रहे थे। ऐसे में जब ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं तब वो सुरक्षा कवच काम क्यों नहीं करता। दूसरा, इस तरीके की जो घटना है, जब नीतीश कुमार कभी रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौरान भी नीतीश कुमार के टाइम में भी इसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब मांग उठ रही है कि लगातार इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं और सरकार ने दोबारा अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो क्या अश्विनी वैष्णव को भी इस बार इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, आम जन इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर राजनीति गर्मा उठी है, इस पर आपका क्या कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव का पुराना वीडियो वायरल होना, उस सुरक्षा कवच पर साफ तौर पर सवाल खड़े होना, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव जिनके निगरानी में ये पूरा रेलवे काम कर रहा है, ऐसे में इस तरीके के जब एक्सीडेंट होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस तरीके की लापरवाही, जैसा कि आपको बताया कि आज जो ये एक्सीडेंट की वजह है वो यही निकल के आई है कि वो लोको पायलट की एक लापरवाही थी जिसने सिग्नल को इग्नोर किया जिसके बाद ये हादसा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है, जो जनता सोशल मीडिया पर मांग उठा रही है अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की, और दूसरा जो अश्विनी वैष्णव का पुराना वीडियो है वो वीडियो और आज की स्थिति क्या कहती है, इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, धन्यवाद।